आयमे अहले बैत के आठवें इमाम सैयदना इमाम अली रज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपका इस्म ग्रामी अली लक़ब रज़ा जबकि कुनियत अबुल हसन है। आपके वालिद ग्रामी सैयदना इमाम मूसा काज़िम और वालिदा माजदा उम्मुल बनीन बीबी नजमा ताहिरा हैं। आपकी विलादत बाज़ रवायत के मुताबिक 11 ज़िलक़ाद और बाज़ के मुताबिक 11 रबीउल अव्वल शरीफ है। आपकी ज़ाते अक़दस इल्म व हिकमत शुजाअत व बहादुरी फसाहत व बलागत ज़ोहद व तक़वा फ़रासत व बुज़ुर्गी और दानिशमंदी में बेमिसल है। आपने अपने नाना के दीन की इशाअत और तबलीग में उम्र बसर की। आप ही की कोशिश का नतीजा है कि हज़रत मरूफ बरही जैसे फ़र्द ने आपके दस्ते हक परस्त पर ईमान लाकर इल्म व फ़नून रिश्त व हदायत का वो चश्मा जारी किया जिससे आज तक सारा आलम सिराब हो रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम ज़ामन भी कहा जाता है और इमाम ज़ामन कहने की हकीकत यह है कि जब आप मदीना से खुरासान तशरीफ ले आए तो आपके नाम का सिक्का जारी किया गया। गवर्नमेंट ने आपका नाम उस सिक्के पर प्रिंट कर दिया। अब जो आपके चाहने वाले थे और मानने वाले थे वो सिक्के को स्पेशल तौर पर अपने पास रखते और उस सिक्के की वजह से उनका सफर महफूज हो जाता। और अब ये सिलसिला वहाँ से चलता हुआ इंडिया में जब आया तो फिर क्या होता कि जब कोई बच्चा सफर के लिए निकलता या नौकरी के लिए निकलता तो इस सिक्के को कपड़े में बांधकर उसको साथ दे दिया जाता और कहा जाता कि ये इमाम ज़ामिन हैं, यानी अब अली बिन मूसा अर-रिदा अर-रज़ा अब तेरे कफील हैं और उनके सदके अल्लाह तुझ पर करम फरमाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बबरकत हर लिहाज से कामिल हुक्मरान थी, लेकिन बिलाहिर हाकमान वक़्त की रचाई गई साजिश के तहत आपको जहर मिले अंगूर खिलाए गए। इसी जहर की वजह से आप जाम शहादत नोश फरमा गए और ईरान के शहर मशहद में मदफून हो गए।